गर्मी का मौसम आते ही देश के अलग अलग हिस्सों से आगजनी की खबरें सामने आने लगती हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से सामने आया है, जहां अचानक लगी भीषण आग से 2 दर्जन मकान जलकर राख हो गए, जिनमें 13 से अधिक का नुकसान हो गया। पूरा मामला जनपद बहराइच के कैसरगंज थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोड़िया नंबर 2 के मजरे रकबा का है, जहां बीते रविवार को दोपहर को गैस सिलेंडर से लगी आग से 2 दर्जन घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हालांकि सूचना के बाद अग्निशमन दल ने पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं घटना की सूचना के बाद एसडीएम पंकज दीक्षित राजस्व टीम के साथ अग्नि पीड़ित गांव पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों को ढांढस बंधाया तथा शीघ्र सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया। बता दें कि रविवार की दोपहर में गांव निवासी बबलू के घर में अचानक सिलेंडर से आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे गांव में फैल गई, जिससे आसपास के 24 लोगों के घर जलकर राख हो गए। वहीं इस अग्निकांड में लगभग 13 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद एसडीएम पंकज दीक्षित ने अग्नि पीड़ित गांव पहुंचकर लोगों को ढांढस बंधाया और साथ ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि अग्नि पीड़ितों के भोजन की व्यवस्था कराएं। इसके साथ ही लेखपाल को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।